हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दिस इज़ वीडियो नंबर ट्वेल्व फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन गाइज़ हमने लास्ट क्लास में टी एच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था जो उन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था ठीक है डाई हाइब्रिड क्रॉस था दो क्रॉस कराए थे क्रॉस ए एंड क्रॉस बी अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस था, था मतलब दो ट्रेड स्टडी करे थे बताइए मुझे क्रॉस ए में कौन से दो ट्रेड लिए थे एक बार ज़रा रिकॉल कर लेते हैं क्रॉस ए में मॉर्गन ने फर्स्ट ट्रेड क्या लिया था कलर ऑफ आई एंड कलर ऑफ बॉडी क्रॉस बी में कौन सा ट्रेड स्टडी करा था कलर ऑफ आई एंड साइज ऑफ विंग्स ठीक है तो मॉर्गन ने एफ टू जनरेशन में क्या देखा ज़्यादातर फ्लाइज में पेरेंटर करेक्टर्स हैं पेरेंटर करेक्टर्स कितने थे नाइन्टी एट पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है और कुछ फ्लाई में रिकॉम्बिनेट करेक्टर भी शोज़ हो रहे थे ऐसी फ्लाइज कितनी थी वन पॉइंट थ्री परसेंट लेकिन जैसे ही मॉर्गन ने क्रॉस बी कराया अलग ट्रेड का कॉम्बिनेशन लेकर तो पेरेंटल कैरेक्टर्स यहाँ पर हो गए कम 62.8 परसेंट और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स यहाँ पे बढ़ गए 37.2 परसेंट ठीक है क्यों हुआ ऐसा वो आज की क्लास में हम समझेंगे डिटेल में क्रॉस ए में तो पेरेंटल कैरेक्टर्स बढ़ गए और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स कम हो गए और क्रॉस बी में पेरेंटल पे कम हो गए और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स बढ़ गए ठीक है ये मेंडल की जो रेशो थी नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन उससे डेविएट कर रही थी इसका क्या कंक्लूजन निकाला मोर्गन ने आज की क्लास का टॉपिक हमारा यही है आज हम इसको डिस्कस में डिटेल करेंगे रिजल्ट को इंटरप्रेट करके समझेंगे ओके ये कुछ वीडियोस हैं प्रीवियस वीडियो टीएच मॉर्गन के ऊपर ही हैं फर्स्ट वीडियो एक्सप्लेन करिए टी एच मॉर्गन कौन थे और उन्होंने फ्रूट फ्लाई को क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेकेंड वीडियो में टी एच ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था फ्रूट फ्लाई के ऊपर उसके बारे में डिटेल में सो so, प्लीज़ एक बार गोन थ्रू हो जाइए सो डैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टूडेज़ टॉपिक ओके रिकॉल करिए जरा मैंडल ने क्या बताया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो जीन्स होते हैं फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है ये डिफरेंट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है ये डिफरेंट पे ये भी डिफरेंट पे और ये भी डिफरेंट पे और ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं इसी वजह से रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स आते हैं ठीक है पेरेंटल कैरेक्टर्स बताइए कहाँ आ रहे हैं एक तो यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर और रिकॉम्बिनेंट करेक्टर्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू मैंडल जो पेरेंटल कैरेक्टर्स रिकॉम्बिनेंट करेक्टर्स वो कितने आने चाहिए फिफ्टी फिफ्टी परसेंट आने चाहिए लेकिन मॉर्गन केस में तो ऐसा नहीं था ना तो पूरी फिफ्टी परसेंट पेरेंटल कैरेक्टर्स थे ना फिफ्टी परसेंट रिकॉम्बिनेंट थे वेरी कर रहे थे वो ठीक है अलग ही आ रहा था रिजल्ट क्यों आ रहा था ज़रा एक बार ये टर्म समझ लीजिए आप अच्छे से एक बार ज़रा इसको समझ लीजिए लिंक्ड जीन्स और अनलिंक्ड जीन्स क्या होते हैं ये क्रोमोसोम है क्रोमोसोम रेड वाला और ग्रीन वाला जो जीन है ए और बी ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो ऐसे जीन्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं अनलिंक्ड जीन्स तो ए और बी यहाँ पर क्या है अनलिंक्ड जीन्स है और जेड वाले को देखिए ज़रा जेड और बी सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है ठीक है बी एंड जेड तो ये जीन कैसे कहलाएंगे लिंक्ड जीन्स तो इंडिपेंडेंट असोटमेंट कब हो सकती है जब ये डिफरेंट क्रोमोजोम पर प्रेजेंट हो तभी पेरेंटल कैरेक्टर्स और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स आ सकते हैं अगर ये लिंक्ड है तब खाली कैसे कैरेक्टर्स आने चाहिए ओनली पेरेंटल कैरेक्टर्स आने चाहिए अगर ये लिंक्ड है मतलब सेम क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है तो ये क्या शो करेंगे लिंकेज शो करेंगे और जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो खाली पेरेंटल कैरेक्टर शो करेंगे रिकॉम्बिनेंट करेक्टर्स नहीं आएगा लेकिन मॉर्गन के केस में ऐसा भी नहीं था कि सारे के सारे पेरेंटल कैरेक्टर्स आ रहे हो रिकॉम्बिनेंट बिल्कुल भी ना आ रहे हो थोड़े बहुत ही सही लेकिन आ रहे थे ठीक है तो क्या कंक्लूजन निकाला मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट का आइए समझते हैं सबसे पहले तो ये समझ लीजिए लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं लिंक्ड जीन ऐसे जीन्स और ऐसे एलील होते हैं जो साथ रहते हैं इनहेरिटेंस के टाइम पर भी ठीक है सेम क्रोमोजोम पर होते हैं और वो लिंकेज शो करते हैं उन्हें लिंक्ड जीन्स बोलते हैं द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ़ जीन्स टू बी रिमेन टूगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस इज़ एज लिंकेज आप इन क्रोमोजोम को ही देख लीजिए ज़रा ध्यान से जो ये वाला स्ट्रैंड है ब्लू वाला पूरा और ये पिंक वाला ये एज इट इज ऐसा का ऐसे ही आ गया है ओके और दूसरे वाले ज़रा सिस्टर क्रोमेटिड्स को देखिए यहाँ पर चेंज हो गया जो कैपिटल बी था वो इधर चला गया और स्मॉल बी इधर आ गया एक मिनट अब आप दिखेगा आपको ये वाला जो स्ट्रैंड है एज इट इज़ है ना यहाँ पर भी ऐसी था और यहाँ पर भी गैमिट्स में ऐसी है और पिंक वाला ये वाला स्टैंड ये भी सेम एज इट इज ऐसी है लेकिन यहाँ पर दूसरा स्टैंड देखिए सिस्टर क्रमिट को इसका कुछ पोर्शन चेंज हो गया है मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो गया है जीन्स एक्सचेंज हो गए तो मॉर्गन ने यही एक्सप्लेन करा था जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं वो पेयर्ड होते हैं म्योसिस के टाइम पर ठीक है क्या सटा बन जाता है और वहाँ पर क्या हो जाता है एक्सचेंज हो जाते हैं जीन्स और न्यू कॉम्बिनेशन हो जाता है रिकॉम्बिनेट डेवलप हो जाता है यही हुआ यहाँ पर ठीक है एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो गए यहाँ पर ओके तो इस म्यूचुअल एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल के दो क्रोम के बीच में क्या कहलाता है क्रॉसिंग ओवर लिंकेज समझ में आ गया आपको लिंकेज क्या होता है लिंकेज मतलब एबिलिटी टू बी रिमेन टूगेदर और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है एक्सचेंज होना जीन्स का ठीक है क्रॉसिंग ओवर ओके तो क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटेट्स के बीच में होती है दो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में ओके okay? ये पूरा ब्लू वाला और ये पिंक वाला ये होमोलोगस क्रोमोजोम है और ये जो पेयर अप कर रहे हैं ये सिस्टर क्रोमेटेट्स करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर होगी तो लिंकेज रिड्यूस होगी लिंकेज कम हो गई मतलब रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया ठीक है लिंकेज समझ लीजिए मतलब साथ रह रहे हैं वो एक तरह से टाइटली बाउंड है ओके okay? क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना आप प्रोफेज वन में होती है उसकी सब स्टेज पैकेटिन में ओके सो फिलहाल के लिए बस अब इतना याद रख लीजिए कि प्रोफेज़ वन की पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है ओके तो मोरगन ने ये बताया जो क्रॉस ए था उसमें जो जीन्स थे वो टाइटली बाउंड थे क्रॉस ए में जीन्स क्या थे टाइटली टाव्ट्ल, बाउंड थे क्रोमज़ो में इसी वजह से पेरेंटल कैरेक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा शो हो रहे थे लेकिन क्रॉस बी में ये लूजली बाउंड थे तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया जिनका क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो गई इसलिए यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर्स क्या हो गए कम हो गए ओके यही कंक्लूजन निकाला कि क्रॉसिंग ओवर होती है ये डायग्राम समझ लीजिए ये एन की बुक में भी दे रखा है आपकी एक बार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि लगता है बस ये मैपिंग कर रखी है देखिए जो ये क्रोमोजोम है फीमेल है फीमेल होमोजाइगस और मेल है यहाँ पर देखिए येलो और वाइट वाले जो जीन्स की लोकेशन देखिए कितने पास पास है है ना अब ये पास पास है तो मतलब टाइटली बाउंड है क्रॉसिंग ओवर बहुत ही मतलब मुश्किल से होगी कमी होगी ना कि बराबर इसी वजह से यहाँ पर क्या आ रहे थे पेरेंटल कैरेक्टर्स नाइनटी आ रहे थे और रिकॉम्बिनेंट करेक्टर वन आ रहे थे एफ जनरेशन में यही दिया हुआ इस डायग्राम में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्रॉस बी में क्या है जो ट्रेड थे साइज ऑफ विंग्स और कलर ऑफ आई के वो थोड़े दूर दूर लोकेटेड थे ठीक है तो उनके बीच में क्या हुआ दूर थे टाइटली बाउंड नहीं थे लूजली बाउंड नहीं तो क्रॉसिंग ओवर हो गई और लिंकेज क्या हो गई कम इसी वजह से यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर्स कम हुए सिक्सटी टू पॉइंट और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स बढ़ गए ओके इस डायग्राम में बस यही एक्सप्लेन करा है जो फर्स्ट टू ट्रेड लिए थे ना क्रॉसिंग में वो काफ़ी पास पास लोकेटेड थे इसलिए उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कम हुई है इसी वजह से पेरेंटल कैरेक्टर्स ज़्यादा आए क्रॉस बी में जो ये लोकेशन है इनकी जीन्स की वो थोड़ी दूर दूर है इसी वजह से इनमें क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स बढ़ गए हैं और पेरेंटल कैरेक्टर्स कम हो गए ओके इन शॉर्ट जरा एक बार आप समझ लीजिए अगर हंड्रेड परसेंट पेरेंटल कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो कम्प्लीट लिंकेज होगी हो फिफ्टी परसेंट पेरेंटल कैरेक्टर फिफ्टी परसेंट रिकॉम्बिनेंट आ रहे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी और बीच का कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है जैसे कि मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में आ रहा है तो इनकम्प्लीट लिंकेज है ओके फिर से समझ लीजिए इफ़ पेरेंटल कैरेक्टर्स आर मच हाई देन मॉर लिंकेज एंड लेस क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन अगर पेरेंटल कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं आ रहे तो वहाँ पे लिंकेज नहीं है वो टाइटली इतनी ज़्यादा बाउंड नहीं है वहाँ पर फिर क्रॉसिंग ओवर होगी क्रॉसिंग ओवर होगी तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा सो डैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास ठीक है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक like करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन चैनल को सब्सक्राइब करें सो डैट यू गेट मोर वीडियोज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन हैव अ नाइस डे